मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में कैसा तापमान मध्य प्रदेश में रहेगा, क्या कुछ मौसम में अंतर देखा जाएगा। अभी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों का हाल क्या है और कहां पर कितना ज़्यादा पारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, कहां पर तापमान में गिरावट आई है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जल्दी से जानते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल, यानी कि प्रदेश में ठंड का कैसा माहौल देखा जा रहा है, क्या कुछ तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में बीते दिन से मौसम बदल चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभागों में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। रात के पारे में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि दिन भर से काफ़ी ज़्यादा ठंड का माहौल है। अभी तक सबसे गर्म रहने वाले इंदौर में काफ़ी ज़्यादा ठंडक देखी जा रही है। सुबह शाम जहाँ पर ठंडक का एहसास हो रहा था, तो वहीं दोपहर में भी ठंडी हवाएं चली, बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते तापमान में खासा गिरावट हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने कम दबाव और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्य प्रदेश में बादल और बारिश की संभावना बढ़ गई है। और अगर प्रदेश के तापमान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ठंडा उमरिया ज़िला है। आपको बता दें कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, खरगोन में 11.4 डिग्री और रीवा में 11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा प्रदेश के चार बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो भोपाल में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबलपुर में 13.9 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 11.4 डिग्री सेल्सियस और इंदौर में तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि अभी रात के पारे में भी गिरावट होने के आसार हैं और 1 से 2 दिसंबर को जो गिरावट हो गई है, तो वहीं 2 से 3 दिसंबर को मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा। इंदौर, उज्जैन संभागों में बारिश की संभावना है और भोपाल समेत 6 संभाग ऐसे हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का जोर रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने कम दबाव और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश में बादल और बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के कई संभागों में बारिश हो सकती है और सबसे ज़्यादा असर जो है इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभागों में दिखाई देगा। आपको बता दें कि तेज आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। वहीं प्रदेश के 6 संभागों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर में एक साइक्लोन सक्रिय है और इसी से महाराष्ट्र के तट की तरफ एक ट्रफ भी बन रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में असर दिख रहा है। और इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर जो है वो इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर, भोपाल और चंबल संभागों पर पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं और यहाँ पर बादल छाए रहेंगे अगले 48 घंटे के दौरान। कई इलाकों में बूंदाबांदी और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। वहीं अगर रायसेन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोहरा छा रहा है। इंदौर में भी सुबह कुछ ऐसा ही माहौल देखा गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगला पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 4 दिसंबर को आ सकता है। अगर ये सक्रिय होता है तो तापमान में ठंड बढ़ने लगेगी और आपको बता दें कि अभी हल्की ठंड बढ़ी रहेगी, जैसे जैसे बारिश होगी वैसे वैसे ठंड बढ़ने की संभावना है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंड बढ़ती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदलने वाला है। अभी भी कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी और दिसंबर की शुरुआत होते होते यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।